आवाज आ रही थी, साफ है। अच्छा, तो यहाँ पर दक्ष जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, अंतिम पंक्ति है, नवेद सर्वज्ञम अनंतम ईडे। तो बहुत अच्छा है, इन्होंने भूभिभाव प्रभु ने भाव बतलाया कि उनका भाव यही है कि भगवान को नहीं जाना जा सकता, इसलिए हम केवल उनको नमस्कार करते हैं। तो उनको नमस्कार ही कर सकते हैं क्योंकि आपको जान नहीं सकते, है ना। तो नवेद सर्वज्ञम, तो भगवान सर्वज्ञ हैं। अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो हम तो सब कुछ नहीं जान सकते हैं। तो हम जब सब कुछ नहीं जान सकते तो सब कुछ जानने वाले को कैसे जान सकते हैं, है ना। भगवान जो है सब कुछ है। तो गीता में भी है चौथे अध्याय का श्लोक संख्या 5वां, न बहुन में वितीतानि जन्मानि तव चारदन। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी बहुत से जन्म हो चुके हैं। तान्यहं वेद सर्वाणि, मैं उन सबों को जानता हूँ, सर्वज्ञ है। तो भगवान सर्वज्ञ है तो मैं सब कुछ जानता हूँ। न तुम वेद थे परंतप, लेकिन हे परंतप तुम नहीं जानते। चाहे जितनी तपस्या हो, परंतप अर्जुन की तपस्या बहुत है लेकिन तो भी नहीं जान सकते। कोई व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा भी बहुत कुछ जान लेता है लेकिन सब कुछ नहीं जान सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जानते। लेकिन जहाँ तक तत्व की बात है, तत्व को जानने की बात है, तो भगवान बताते हैं कि हाँ, तत्व से कोई व्यक्ति जान सकता है। हाँ, क्या है वो श्लोक कि मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये। हजारों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति जो है मुक्ति पाने का ये प्रयास करता है या आत्मज्ञान पाने का प्रयास करता है। और यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः, तो उन यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई मुझे तत्व से जानता है। तो मतलब फिर भी है, कोई ना कोई भगवान को तत्व से जान लेता है, चाहे बहुत दुर्लभ हो, चाहे लाखों में एक हो, चाहे करोड़ों में एक हो, कोई जानता है भगवान को तत्व से। जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है, जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो इस प्रकार से तत्व से जानने की बात तो जो है फिर भी मतलब है कि जाना जा सकता है, लेकिन जहाँ तक डिटेल्स है भगवान का विस्तार, उसको नहीं जान सकते। कि भगवान का अनंत विस्तार, उनके अनंत अवतार है ना। तो भगवान के कितने अवतार हैं, भगवान के कितने जन्म हैं। तो श्रीमद् भागवत में जब मुचकुंद जो है भगवान से पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपके शरीर से इतना तेज निकलता है कि मेरी आँखें चौधिया रही हैं, है तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपना परिचय कैसे दूँ, क्योंकि इस जगत में मेरे इतने अवतार हुए, इतने जन्म हुए हैं कि पृथ्वी की चाहे धूल के कण गिन लिए जाएं, लेकिन मेरे जन्मों की संख्या नहीं गिनी जा सकती। मैं कैसे बताऊं अपना, लेकिन हाँ इस समय के अनुसार मैं बताता हूं कि मैं जो है वसुदेव जी का पुत्र हूं। और भगवान ने मतलब इस तरह से बतलाया अपना परिचय। तो भगवान के तत्व को जाना जा सकता है, भक्तिया माम अभिजानाति या भगवान निश्चास्मि तत्वता। तो भक्ति के द्वारा वो जान सकता है मुझको, तत्व से जान सकता है। तो भक्ति के द्वारा तत्व से जान सकता है, है ना। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद तात्पर्य ये लिख रहे हैं कि स्वरूप से धोने पर वो उन परमात्मा को समझ सकता है जिनका योगी जन ध्यान करते हैं। तो परमात्मा के तत्व को जान सकता है ना, और जो है भगवान के भी तत्व को जान सकता है, लेकिन भगवान की शक्तियों को नहीं जान सकता। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि भगवान स्वयं नहीं जानते अपनी शक्तियों, इनका इतना विस्तार है, अनंत विस्तार है, कि भगवान भी नहीं जानते हैं उनकी कितनी शक्तियाँ हैं। इस संबंध में प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि भगवान नहीं जानते, फिर भगवान जान लेते हैं और फिर उनकी शक्तियों का विस्तार होता जाता है। तो भगवान नहीं जानते, फिर भगवान जान लेते हैं। भगवान के ज्ञान में भी जो है बढ़ोतरी होती है और भगवान की शक्तियों में भी बढ़ोतरी होती है, हैं। तो भगवान का ज्ञान भी बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से स्पर्धा चलती है कि भगवान की शक्तियाँ इतनी बढ़ती जाती हैं कि भगवान नहीं जान पाते, फिर भगवान का ज्ञान भी जब
बढ़ जाता है तो अपने शक्तियों को जान लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो है कोई कोई नहीं जान सकता। शेष जी हैं तो वो जो है भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो भगवान के गुणों का अंत कोई नहीं जान सकता, और उनको जो है भगवान के गुणों का अंत आज तक नहीं मिला, भगवान के गुणों का अंत आज तक नहीं मिला। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि भक्त लोग जो है भगवान का गुणगान करते हैं तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ते हैं। आकाश तो अनंत है, तो पक्षी थोड़ी पूरे आकाश का अंत जान सकते हैं। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो है भगवान के गुणों का, भगवान की लीलाओं का अंत नहीं जान सकता, लेकिन तो भी भक्त लोग जो है उसका आनंद लेते हैं। तो आनंद लेते हैं भगवान का, जैसे पक्षी आकाश में जो है उड़ते हैं तो आनंद लेते हैं आकाश में, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि भाई हम नहीं जान सकते हैं, तो इसमें कोई निराशा की बात है कि हम नहीं जान सकते, तो ना जान सकते हैं भगवान के अंत को नहीं जान सकते, तो इसमें कोई निराशा की बात नहीं है, बल्कि इसमें जो है एक आनंद की बात है, आनंद की बात है कि हम जो है भगवान के जो है गुणों के अंत को नहीं जानते, नहीं जान सकते। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भगवान के गुणों का आस्वादन ना करें, भगवान के गुणों का हम आस्वादन करते हैं, है ना, भगवान की लीलाओं का हम आस्वादन करते हैं। तो भगवान की लीलाएं अनंत हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहा है कि सर्वज्ञम अनंतम ईडे, कि मैं जो है नमस्कार करता हूँ। लेकिन माता यशोदा जब कृष्ण के ऐश्वर्य को जान पाती हैं, जब कृष्ण के मुँह में पूरा विश्व देखा, तो माता यशोदा जो है सोचते हैं कि क्या मैं सपना देख रही हूँ, नहीं सपना तो नहीं देख रही, मैं तो जागृत अवस्था में हूँ, स्वप्न तो नहीं है, क्या मेरा भ्रम है, नहीं मेरा भ्रम भी नहीं है, मैं तो देख रही हूँ, मेरा पुत्र भी यहाँ खड़ा है और मैं उसका मुँह खुला हुआ देख रही हूँ, तो फिर क्या हो सकता है। हाँ, तो मेरे पुत्र में ही कुछ है ऐसा गुण है, नारायण का गुण, मेरे पुत्र में ही नारायण का गुण है, और जिन नारायण की माया से मैं अपने को ब्रज की ईश्वरी समझती हूँ और मैं यहाँ की स्वामिनी समझती हूँ, और मैं जो है यहाँ का जो है सब अपने अधिकार में जानती हूँ, तो उन परमेश्वर को मैं नमस्कार करती हूँ। तो माता यशोदा नमस्कार करने लगी। जब माता यशोदा नमस्कार करने लगती तो भगवान को जो है फिर वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनको तो स्नेह, माता का स्नेह चाहिए, वात्सल्य चाहिए, तो अपने योग माया से माता यशोदा के ज्ञान को ढक दिया, और माता ने फिर जो है देखा कि मेरा बालक डरा हुआ है, तो अपने पुत्र को जो है गले से लगा लिया। तो भगवान जो है अपने भक्तों के ज्ञान को योग माया से ढकते हैं, ताकि वो वात्सल्य भाव में उनसे प्रेम कर सकें, माधुर्य भाव में प्रेम कर सकें, यशक्य भाव में प्रेम कर सकें। तो उनकी स्थिति बहुत ऊँची है। कोई व्यक्ति जो है भगवान के गुणों का अंत जानना चाहता है ना, तो ये लोग जो है नहीं जानना चाहते कुछ भी, कृष्ण के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में इतना ही जानते हैं है कि हमारा बालक है, हमारा पुत्र है। तो ब्रज के जो है मतलब प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र है श्री कृष्ण है, लेकिन ईश्वर भाव में नहीं जानते, तो वो कृष्ण के ज़्यादा निकट है। कृष्ण को ईश्वर नहीं जानते हैं तो कृष्ण के ज़्यादा निकट हैं, लेकिन जो कृष्ण को ईश्वर जानते हैं तो वो जो है उनको थोड़ा दूरी होती है। और भगवान जो है माता यशोदा के द्वारा जब बांधे जाते हैं तो भगवान उनको बता रहे हैं तदीयसी तज्ञेशु भक्त्यर्जित त्वम, कि जो उनकी ईशिता को जानते हैं कि परमेश्वर हैं, तो उनको जो है भगवान दिखा रहे हैं कि मैं इतना असीमित परमेश्वर हूँ, लेकिन अपने भक्तों के द्वारा मैं जीता जाता हूँ, मैं अपने भक्तों के द्वारा पराजित होता हूँ। तो भगवान ये दिखा रहे हैं। कुंती महारानी भी जो है कहती हैं कि मैं भी जो है चकरा जाती हूँ कि भीरपति कि माता यशोदा के सामने कृष्ण डरते हैं, जबकि उनसे भय भी भयभीत रहता है, तो मैं चकराती हूँ। तो कुंती महारानी का ये भी सुख है कि माता यशोदा के जो है महिमा को समझ गई। वो नहीं सोचती कि मैं माता यशोदा की तरह बन जाऊँ, वो नहीं अपना अधिकार समझती, और ना वो चाहती हैं कि माता यशोदा के समान बन जाऊँ,
वो इसमें ही अपना बड़ा सौभाग्य मानती हैं कि माता यशोदा के सौभाग्य को वो जान पाएँ कि कितनी महिमा है, माता यशोदा की कितनी महिमा है, इसी को जान पाएँ। इसी प्रकार से भक्त लोग भी जो है मतलब ये नहीं सोचते कि भाई हम जो है मतलब माधुर्य भाव को हमें जो है सबसे ऊपर है माधुर्य भाव तो हम माधुर्य भाव में आ जाएं। भक्तों की भावना नहीं होती, भक्तों की भावना ये होती कि जहाँ पर हम हैं हम वहीं पर रहें और उनके दास के दास के दास के दास बन करके रहें। ये नहीं विचार करना चाहिए नहीं नहीं हम इनके सिर में पैर रख करके हम ऊपर उठेंगे, ये जो मुझसे ऊपर हैं ये जो है वहीं के वहीं रहें, इनके सिर में पैर रख करके मैं इनसे ऊपर उठ जाऊँगा, तो ये भावना नहीं होती। अगर ये भावना होती तो वहीं से भक्ति आपकी समाप्त हो जाती है। तो आपकी भावना यही होना चाहिए कि आप जहाँ हैं जैसे हैं उसी स्थिति में आप बने रहें और गिरे नहीं, तो बहुत बड़ी सुरक्षा है, यही बड़ी बहुत बड़ी सुरक्षा है ना। तो भगवान को जो है हम जान नहीं सकते। तो श्रीधर स्वामी जिन्होंने शरीर छोड़ा था और मायापुर में शरीर छोड़ा था, तो श्रीधर स्वामी ये भी कहा करते थे कि मैं कृष्ण को नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा कि मैं प्रभुपाद को भी नहीं जानता। फिर उन्होंने कहा मैं फिलॉसफी जो कृष्ण भावनामृत का जो सिद्धांत उसको भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भक्त लोग जो है बड़े अद्भुत हैं, डिवोटीज आर वंडरफुल। तो उन्होंने जो अपना मतलब फाइनल जो अनुभव है वो अपना बताया है ना, मतलब फाइनल रियलाइजेशन बताया कि भक्तों की जो है मतलब जो कृपा है, भक्तों की संगति है, उसका जो है उन्होंने मतलब विशेष रूप से माना। तो हम भक्तों की संगति में हैं बहुत बड़ी बात है, है? अब ये कुछ भगवान का तत्व है, हमारे जो है मतलब सिर के ऊपर से निकल जाता है, कोई बात नहीं है भक्तों के साथ में रहें। किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद आप जो है कृष्ण की इतनी भक्ति करते हैं और मान लो आपको पता चले कि कृष्ण नहीं है तो आप क्या करेंगे? इतना आप कृष्ण को मानते हैं इतना, और जब आपको बाद में पता चला कि कृष्ण नहीं है तो आप क्या करेंगे? प्रभुपाद तो भी मैं करता रहूँगा, जो कर रहा हूँ वही करता रहूँगा, क्योंकि कृष्ण के नाम में कितना आनंद आता है, कीर्तन में कितना आनंद आता है। अगर कृष्ण नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, भक्तों के साथ में कितना आनंद आता है, प्रसाद खाने में कितना आनंद आता है, हा? तो कोई बात नहीं। ये कीर्तन है और जो है भक्तों की संगति है और कृष्ण कथा है, आनंद तो आ रहा है, हमको आनंद आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम यही करते रहेंगे, हम जन्म जन्म यही करते रहें। तो ये जो है मतलब बहुत बड़ी है अनुभूति है कि भाई हम जो है जन्म जन्म करते रहें, जन्मे जन्मे प्रभु से ही। हरे कृष्ण।